Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफलाइन फोरम पर। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी अग्निवीर के पदों पर 5 और भर्तियों का। हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने सही सुना, 5 और भर्तियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर किस किस स्थान से, किस किस स्टेशन से आप सभी के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, किस पोस्ट के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यदि बात करेंगे आपके यहां पर योग्यता को लेकर, यदि आपने 10वीं पास कर लिया तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। यदि बात करेंगे आपकी सैलरी को लेकर तो लगभग 45,000 रुपए के लगभग आपकी यहां पर सैलरी रहने वाली है। ये आपकी ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली, यानी आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है। फ्रेंड्स, आप इन भर्तियों का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देगा है। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा देगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देने दे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें और आगे किसी ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, किसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मैं आपको 5 स्टेशनों से आप सभी के लिए भर्ती आई उनके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप सभी के जो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म है, सभी भर्तियों के 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और सभी भर्तियों की जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 25 अक्टूबर 2022 रहने वाली है, जो आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहली भर्ती आपकी एयरफोर्स स्टेशन आगरा से आप सभी के लिए यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सभी के लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मैस वेटर, सफाई वाला, बारबर, वॉचमैन, धोबी, मोची और टेलरों के पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपके यहां पर एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आप सभी को यहां पर बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर देना होगा, केवल यहां पर मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। यदि आपने 10वीं पास कर लिया तो आप यहां पर किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी आयु सीमा को लेकर तो आपके यहां पर 17.5 से लेकर 23 साल के बीच आपकी आयु सीमा रहने वाली है। देखिए फ्रेंड, जो आपकी आयु सीमा रहनी चाहिए वो आपकी 31 दिसंबर 1999 से लेकर 30 जून 2005 के बीच यदि आपकी आयु सीमा है तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके यहां पर एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, केवल 10वीं पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके यहां पर 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपके पर मेन आपको बात बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर आपकी दो आपकी पद आपके रहने वाले हैं, दो आपके दो पदों में इन भर्तियों का आपका बांट दिया गया। देखिए, सबसे पहले आपकी जो भर्ती रहने वाली आपके हाउस कीपिंग के यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें आपकी सफाई वाला, लश्कर, वाशर, आपकी वाशर मैप, वाटर कैरियर, बारबर, धोबी, मोची, टेलर, वॉचमैन के पदों पर यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पर दूसरी आपकी स्ट्रीम लेने वाली है वो आपकी हॉस्पिटलिटी की आपके पर स्ट्रीम रहने वाली है, जिसकी आपके पर कुक और मैस वेटर की जिसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है। फ्रेंड, देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। यदि आप आगरा के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट के ही द्वारा सेंड करना होगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद सेंड करना है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, जो आपकी दूसरी यहाँ पर भर्ती आई वो आपकी सिरसा हरियाणा से आप सभी के लिए भर्ती आई हुई है। 25 अक्टूबर तक ही आप यहाँ पर भी आवेदन कर पाएंगे। आप सभी के लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मैस वेटर, सफाई वाला, बारबर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि के पदों पर आप सभी के लिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। सेम आपकी आयु सीमा रखी गई है, सेम आपके यहाँ पर योग्यता की गई, यानी आपने 10वीं पास कर लिया तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आपको यहां पर आपकी आयु सीमा, सब कुछ, आपकी सैलरी सेम आपकी रहने वाली है। यहां पर आपकी जो यहां पर स्ट्रीम रहने वाली हाउस कीपिंग और आपकी हॉस्पिटलिटी की आपकी यहां पर स्ट्रीम रहने वाली है, जिसमें आपकी आपकी जो हॉस्पिटलिटी की आपके यहां पर स्ट्रीम है आपकी कुक और मैस वेटर के लिए और सब हाउस कीपिंग में आपकी सभी अदर पोस्ट आने वाली है। फ्रेंड्स, बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस को लेकर तो ये आप सिरसा हरियाणा का आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। यदि आप सिरसा हरियाणा के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखिए फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट आपकी भर्ती रहने वाली वो आप सभी के लिए इंडियन एयरफोर्स भमरौली प्रयागराज आपके इलाहाबाद से आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप यहाँ पर 25 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। आप सभी के लिए लश्कर, वाटर कैरियर, कुक, मैस वेटर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची टेलर आदि आपके यहाँ पर सेम आपके पद रहने वाले हैं। सेम आपकी आयु सीमा रखी गई है, सेम आपकी सब कुछ आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है। बस यदि आप यहाँ पर देखिए आवेदन करना चाहते हो भमरौली प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपको क्या करना है, सेंडिंग एड्रेस का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। फ्रेंड चलते हैं आपकी चौथी यहाँ पर भर्ती की तरफ। देखिए आपके फ्रेंड, जो आपकी चौथी यहाँ पर भर्ती रहने वाली है वो आप सभी के लिए गोरखपुर के आपसे इंडियन एयरपोर्ट स्टेशन गोरखपुर से आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कुक और मैस वेटर के यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। फ्रेंड्स आपकी सेम आयु सीमा, सेम सब कुछ आपका रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, यदि आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप सभी को सेंडिंग एड्रेस का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर भर्ती रहने वाली है वो आप सभी के लिए इंडियन एयरपोर्ट चंडीगढ़ से आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुक और मैस वेटर की आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली, सेम आपकी सब कुछ आपके यहाँ पर सेम रखी गई है। बस आपको क्या करना है, आप सेंडिंग एड्रेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रेंड्स अब बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना होगा। सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट की फोटो, 12वीं की मार्कशीट की फोटो, आधार कार्ड की फोटो। यदि आपने 12वीं पास नहीं किया तो आप इसकी मार्कशीट की फोटो कॉपी नहीं लगाएंगे। इसके अलावा आपको एक लिफाफा रखना होगा जिस पर आपको 10 रुपये का डाक टिकट लगाना होगा। फ्रेंड्स आपको जो वहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको चिपकाने हैं, जो आपको वहाँ पर फोटो चिपकाने होंगे वे आपके स्लेट वाले ही फोटो रहने चाहिए। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र की यहाँ पर फोटो कॉपी करवा लेनी होगी। फ्रेंड्स इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को साधारण डाक इन ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना होगा। फ्रेंड्स यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप सभी को क्या करना है, आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7505851271 है फ्रेंड्स, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने होंगे और आपको बता देना होगा कि भाई हम उस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम एयरपोर्ट स्टेशन दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी 7 स्टेशनों से पहले भी भर्ती आ चुकी है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल के पेज पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुका हूँ, 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उस वीडियो को वॉच कर चुके हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको अप्लाई कर देना, यदि आप खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम आपका फॉर्म अपने आप अप्लाई कर देंगे, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे ना, अभी आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।